इस बार होली 25 मार्च को आने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये होली 496 साल के बाद आने वाली है। इससे पहले ऐसी होली 496 साल पहले मनाई गई थी, 15 मार्च 1528। पूरी भारत भूमि आज रंगों से रंगी थी। इस होली में और उस होली में एक समानता आपको दिखाई देगी। 1528 15 मार्च को मनाई गई होली उस समय आखिरी होली थी जब भगवान राम के मंदिर और अयोध्या के साथ मनाई गई थी। उसके उपरांत 496 साल और 10 दिन के उपरांत एक बार फिर से होली आने वाली है, जिस होली में राम मंदिर भी होगा, अयोध्या भी होगी और पूरा भारतवर्ष भगवान राम के साथ होली मनाएगा। कैसी थी आज से 496 साल पहले होली? आज से ठीक 496 साल पहले 15 मार्च 1528 पूरी भारत भूमि और साथ में अयोध्या नगरी रंगों से रंगी हुई थी, क्योंकि त्योहार जो रंगों का था, क्योंकि आज अवध में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। राजा से लेकर आम जन तक इस त्योहार में शामिल थे। चहुं ओर राम राज्य जैसा माहौल दिखाई दे रहा था, परंतु तब तक किसी को यह नहीं पता था कि आज से ठीक 6 दिन बाद एक बार फिर से अयोध्या नगरी होली खेलने वाली है। ऐसी होली जो अवध की भूमि पर कभी नहीं खेली गई थी। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अयोध्या ने ऐसा दिन कभी नहीं देखा था। देखना तो दूर, अयोध्या ने इस दिन की कल्पना तक नहीं की थी, जहां आम जन से लेकर बूढ़े बच्चों के रक्त से अयोध्या लाल होने वाली थी। इस होली में रंगों की जगह सनातनियों का रक्त बहने वाला था और हर्षोल्लास की जगह मचने वाला था हाहाकार, चीख पुकार। भला कोई आम जन पर भी हमला कर सकता है, यह अभी तक किसी ने सोचा तक नहीं था। पर्याक्रमण किसी राज्य या राजा को हराने या युद्ध का निमंत्रण देने के लिए नहीं था। आक्रमण था ऐसी संस्कृति को मिटाने के लिए, जहां भाई भाई के लिए राज्य सिंहासन का त्याग कर देता है। युवराज पिता की एक इच्छा मात्र के लिए वन में चला जाता है। एक भाई भाई का साथ देने के लिए सारे राजसी सुख त्याग कर वन वन भटकता है, जहां एक पत्नी के लिए उसका वनवासी पति ही किसी सोने के महल वाले राजा से ज्यादा अच्छा है। जिस धरती पर कलयुग में भी राजा राजा से युद्ध किसी ऐसी जगह का चुनाव कर करते थे जहां आम जन की हानि न पहुंचे, पर अब इस धरा पर ऐसे लुटेरों, चोरों, डकैतों, मलेच्छों और क्रूर शक्तियों का आगमन हो चुका था, जो न सिर्फ अमानवीय थे बल्कि राक्षसी भी थे। ऐसा नहीं है, अयोध्या पर यह हमला पहली बार था। इससे पहले भी एक जिहादी ने, जो महमूद गजनवी का भांजा था, शायद भतीजा भी रहा होगा, क्योंकि इस सभ्यता में अक्सर चाचा और मामा एक ही व्यक्ति होता है, नाम था सालार। तुर्क ने सत्ता के विस्तार में अयोध्या के क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि 1033 ईस्वी में राजा सुहेल देव ने बहरेज में उसे मारकर उसके आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। 1440 में जौनपुर के शर्की शासक महमूद शाह के शासन क्षेत्र में अयोध्या के भी शामिल होने का उल्लेख मिलता है। इसके बावजूद अयोध्या के अनुरागियों की रगों में राम मंदिर को विध्वंस और उसके प्रतिकार की ताकत बची थी। इस तरह अयोध्या पूरी तुर्की के खलीफाओं की नजरों में बहुत पहले से थी और अपने शूरवीरों के दम पर अयोध्या अपना अस्तित्व और राम मंदिर की प्रतिष्ठा को बचाने में कामयाब रही थी। पर अब जिहादी समझ चुके थे, हिंदू वीरों से सीधा युद्ध करके वो कभी नहीं उन्हें हरा सकते। उन्हें इस बार कुछ ऐसा करना था जो अभी तक नहीं हुआ था। उन्हें आम जन को निशाना बनाना था और लोगों में दहशत के बीज बोने थे, जो आज भी देखते ही होंगे। आत्मघाती हमले, मुंबई ताज हमला हो या फिर कई और हमले जहां आम जन को निशाना बनाया जाता है, यही जिहादी परंपरा अभी तक चली आ रही है। ये सच में मानवता को मिटाने के लिए ही अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या में गुप्तचरों द्वारा समाचार पहुंचाया गया कि बाबर की सेना अयोध्या की ओर बढ़ रही है और हमला सीधा अयोध्या राम मंदिर पर होने वाला है, और साथ में बाबर का तोपखाना चल रहा था जो दूर से ही निशाना लगाकर किसी भी सेना या नगर को ध्वस्त कर सकता था। ये खबर आग की तरह आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी थी। कुछ लोग डरे तो कुछ इसका तोड़ ढूंढने में लग गए, क्योंकि हमला राज्य विस्तार के लिए नहीं था, हमला संस्कृति और उसके प्रतीकों के विनाश के लिए था। मीर बाकी के हमले की खबर राजा महताब सिंह के पास पहुंची जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। राजा महताब सिंह के बारे में स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक रहे प्रताप नारायण मिश्र ने अपने एक लेख में लिखा है, राजा महताब अपनी छोटी सी टोली के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे। अयोध्या में मीर बाकी के हमले का समाचार उन्हें रास्ते में मिला। अयोध्या पर हमले का समाचार सुनकर महाराज महताब सिंह आग बबूला हो गए, उनके नेत्र लाल हो गए। राजा ने कहा, राम तो बद्री विशाल की ही प्रतिमूर्ति है,
उन्होंने अपने बद्रीनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया और राम मंदिर की ओर लौट चले। चारों दिशाओं में संदेश भिजवाए गए और जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया गया। महाराज मेहताब सिंह के अयोध्या पहुंचते पहुंचते उनके नेतृत्व में 80,000 की हिंदू सेना तैयार की गई। 17 दिनों तक संग्राम चला। महाराजा मेहताब सिंह ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। बाबर के सेनापति मीर बकी की सेना 2,50,000 की थी। उनकी 3/4 से अधिक सेना काट डाली गई थी। मुगल सेना की अपार क्षति हुई थी, पर मुगल सेना के पास उस समय का सबसे घातक हथियार था आग उगलती तोपें, जिनका उस समय किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और यह हमला उन्होंने आमजन और नगरों पर आरंभ कर दिया था। आपने भी हाल ही में देखा होगा, जब हमास के आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर आए तो उन्होंने इसराइल पर 3,000 से ज्यादा गोले दाग दिए थे। यदि इसराइल के पास उनका तोड़ नहीं होता, उनका आयरन डोम नहीं होता, तो शायद आज इसराइल इस दुनिया के नक्शे पर न होता और न ही ये मातम मनाने वाले लोग मातम मना रहे होते। मतलब गलत इंसान के हाथ में ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसा ही अयोध्या में भी हुआ। अंततः महाराज मेहताब सिंह राम मंदिर की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। उसके बाद तो बलिदान की होड़ सी लग गई। इस संघर्ष में लाशों का अंबार लग जाने के बाद ही मीर बाकी मंदिर को तोप से गिरा सका। भीटी निवासी महापुरुष स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष भरत सिंह कहते हैं कि राम मंदिर की रक्षा के लिए मुगलों से प्रतिरोध का हिंदू का यह पहला संघर्ष था। उन्होंने बताया कि महाराज मेहताब सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अयोध्या के आसपास की रियासतों से उनके मधुर संबंध थे। यही कारण रहा कि उनका संदेश पाते ही 80,000 की सेना अयोध्या पहुंच गई। भीटी रियासत के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये संघर्ष और बलिदान का अंत नहीं था, ये तो 500 साल लंबे चलने वाले युद्ध की शुरुआत भर थी। इसके बाद तो मानो मुगलों ने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया हो और चारों ओर से उन पर हमले होने शुरू हो गए। अब संघर्ष बाबर की अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। बाबर के पुत्र हुमायूं के शासनकाल में हसवर के स्वर्गीय राजा रणविजय सिंह की महारानी जयकुमारी ने 30,000 स्त्री सैनिकों के साथ मंदिर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने हिंदू जागरण किया, किंतु तीसरे दिन हुमायूं की सेना वापस आ गई और पुनः मुसलमानों का कब्जा हो गया। अकबर के समय में हिंदुओं ने 20 बार आक्रमण किए, किंतु 19 बार असफल रहे। 20वीं बार रानी और उनके गुरु बलिदान हो गए, किंतु हिंदुओं ने चबूतरे पर कब्जा कर राम मंदिर बना लिया था। हंसावर रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुमारी, राजगुरु पंडित देवीदीन पांडे आदि के नेतृत्व में मंदिर की मुक्ति के लिए जवाबी सैन्य अभियान छेड़ा गया। शाही सेना को उन्होंने विचलित जरूर किया, पर पार नहीं पा सके। 1530 से 1556 ईस्वी के मध्य हुमायूं एवं शेरशाह के शासनकाल में 10 युद्धों का उल्लेख मिलता है। हिंदू की ओर से इन युद्धों का नेतृत्व हंसवर की रानी जयराज कुंवारी स्वामी महेशानंद ने किया। रानी स्त्री सेना का और महेशानंद साधु सेना का नेतृत्व करते थे। इन युद्धों की प्रबलता का अंदाजा रानी और महेशानंद के साथ उनके सैनिकों की बलिदान से लगाया जा सकता है। 1556 से 1605 ईस्वी के बीच अकबर के शासनकाल में 20 युद्धों का जिक्र मिलता है। इन युद्धों में अयोध्या के ही संत बलरामाचार्य बराबर सेनापति के रूप में लड़ते रहे और अंत में वीरगति प्राप्त की। इन युद्धों का परिणाम रहा कि अकबर को इस ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। अकबर ने बीरबल और टोडरमल की राय से बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। अकबर के ही वंशज औरंगजेब की नीतियां कट्टरवादी थी और इसका मंदिर मस्जिद विवाद पर भी असर पड़ा। 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य उसके शासनकाल में राम मंदिर के लिए 30 बार युद्ध लड़े गए। इन युद्धों का नेतृत्व बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने किया। माना जाता है कि इन युद्धों में दशम गुरु गोविंद सिंह ने निहंगों को भी राम मंदिर के मुक्ति संघर्ष के लिए भेजा था और आखिरी युद्ध को छोड़कर बाकी में हिंदुओं को कामयाबी भी मिली थी। ऐसे में समझा जा सकता है इस दौर में मंदिर समर्थकों का कुछ समय के लिए राम जन्मभूमि पर कब्जा भी रहा होगा और औरंगजेब ने पूरी ताकत से उसे छुड़वाया होगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने यह मंदिर तोड़ा था, यह मंदिर छुड़वाया था, यहां पर मस्जिद तामीर कराई थी, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक बीच में कितने युद्ध लड़े गए और भारतीयों और सनातनियों ने यहां पर इन मलेच्छों पर विजय भी प्राप्त की होगी। तभी तो औरंगजेब को वहां पर युद्ध लड़ना पड़ा।
इतिहास की एक अन्य धारा का तो यहां तक कहना कि राम मंदिर बाबर के नहीं औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया और उसके ही आदेश से अयोध्या के कुछ और प्रमुख मंदिर तोड़े गए। परंतु उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का अपने बाप से कोई नाता नहीं था, अपने बाप की इज्जत नहीं करता था, तो अपने दादा परदादा या अपने दादा के दादा का कहां से सम्मान करेगा? और बाबर और उसके बीच में ऐसी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी कि वह उसे अपना आदर्श मानता हो। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल सत्ता का तो पतन हो गया, पर मंदिर के लिए संघर्ष यूं ही चलता रहा। हालांकि अवध के नवाबों के समय अयोध्या को कुछ हद तक सांस्कृतिक धार्मिक स्वायत्ता हासिल हुई। बार बार के युद्धों से तंग आकर अवध के नवाब सादत अली खान ने अकबर की भांति हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ साथ पूजन एवं नमाज की अनुमति दी। इसके बावजूद संघर्ष नहीं थमा, क्योंकि यह लड़ाई जन्मभूमि की थी, उसके अस्तित्व की थी, सनातन के धरातल की थी। फिर आया 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि को सनातनी को सौंपा और कहा कि मस्जिद जिन अवशेषों पर और जिन से बनाई गई थी वो मंदिर के प्रतीक होते हैं। इसके बीच हुए संघर्षों का जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। अब समय आ गया है अयोध्या में एक बार फिर से वैसे ही दिवाली मनाने का, जैसी राजा भरत ने अपने भाई के अयोध्या आगमन पर बनाई थी, वैसी ही होली मनाने का जैसी इन दुर्दांतों के आगमन से पहले अयोध्या में मनाई गई थी। क्या भी त्रेता युग वाली दिवाली और होली इस बार मनाएंगे? 2024 की होली एक बार फिर से अयोध्या को उसके सुनहरे अतीत में ले जाएगी जिसमें राम मंदिर हुआ करता था। इस बार भी अयोध्या में होली होगी और राम मंदिर भी होगा। ये शुभ अवसर 496 साल के बाद आने वाला है और साथ ही होंगे उन लाखों योद्धाओं के बलिदान की कहानियां, उनके पराक्रम के किस्से, जिन्हें सुनने और सुनाने के लिए साक्षी होगा राम मंदिर और स्वयं रामलला। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।